तो हेलो एंड गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज आ चुके हैं रोमन और कोडी आमने सामने, और दोनों ने ही अपनी टीम बना ली है। एक तरफ है ऑफ कोर्स हील टीम और दूसरी तरफ है फेस टीम। और फेस से मैं कोडी रोड्स की बात कर रहा हूँ, और हील टीम में मैं ऑफ कोर्स तीन हील प्लेयर्स तो अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, रॉक, ऑर्टन और रोमन। फिलहाल के लिए फेस में अगर देखा जाए कोडी, जॉन सीना और अंडरटेकर, ऑफ कोर्स ये लोग फेस हैं यार। फिलहाल के लिए देखना ये है कि जीतेगा कौन, रोमन या कोडी। वैसे कोडी के सामने जब भी रोमन आए हैं कोडी ने बाजी मार ली है गेम में तुम्हारे लिए, असलियत में नहीं मार पा रहे तो वो बात अलग है। खैर आओ जल्दी से चालू करते हैं इस मैच को और देखते हैं कौन जीतेगा। लेट्स गो। तो ये मैच इधर चालू होता हुआ, रोमन और कोडी करेंगे शुरुआत ऑफ कोर्स। और आज मैं चलो नाम नीचे से नहीं हटाता हूँ, नॉर्मल मैच है ये, ज़्यादा नीचे नहीं लड़ सकते, 10 काउंट लगा हुआ है। और ऑफ कोर्स एक हीरो नागी आएगा और कोई भी सामान का भी यूज़ नहीं कर सकते। मैंने देखा है अभी मैं जब 3-4 या उससे ज़्यादा दिनों से टैग टीम या 3 ही दिन से मान लो ये मैचेस करवा रहा हूँ, तो एक टीम भारी रहती है दूसरी टीम पर ऑफ कोर्स। तो क्या इस मैच में भी यही होने वाला है, एक टीम भारी रहेगी दूसरी टीम पर? मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि यही हो, और अगर एक प्लेयर किसी टीम से बाहर हो तो उसका ही जीतना 100% हो जाए। मुझे ये भी नहीं पता यही होने वाला है या नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। खैर अभी के लिए ऑर्टन और कोडी, रोमन ने तुरंत टैग दे दिया, दो सेकेंड और लड़ लेते रोमन, क्या है क्या ही करते हो भाई इतनी जल्दी टैग। कोई बात नहीं, ऑर्टन सर आ गए और कोडी ओर से तो ऑर्टन हो रहा है, और कोडी टैग देने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लग रहे। खैर अभी के लिए रिवर्सल तो करो कोडी। कोडी ने रिवर्सल नहीं किया, एक एल्बो खा गए हैं और एल्बो के बाद पिनफॉल होने वाला है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे रॉक सर भी खड़े हुए हैं, और रॉक सर कितने जवान लग रहे हैं क्योंकि ये जवानी वाले रॉक सर है। और अभी के लिए उठा के फेंक दिया कोडी को, कोडी की टीम वाले मतलब टैग का इंतज़ार कर रहे हैं। कोडी रोमन तो टैग दे ही चुके हैं, तो अब अपनी हेल्थ बचाओ और ऑफकोर्स टैग दे दो किसी को। लोग ठीक है इतनी इतना पिट रहे हैं, कोडी कहीं बाहर ही ना हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ऑफकोर्स पिट पिट के अपने अंदर जोश ला रहे हो, अरे रे कॉर्नर पे, उनके ही कॉर्नर पे जाके क्यों मूव करने स्प्रिंग बोर्ड वाले। खैर ठीक है, कोई एंगल ख़राब होगा तो हम एंगल चेंज कर ही देंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा देखते हैं कि टैग कब आएगा। जॉन सीना सर अंडरटेकर भी चलेंगे, अरे किसी को तो टैग दे देते। फिलहाल के लिए इतनी दूर तक आए, टैग देने का सोचा और टैग नहीं दिया। अभी फिलहाल के लिए आता हुआ टैग, अंडरटेकर सर आ गए हैं। और ये वाले अंडरटेकर सर पता नहीं मुझे क्यों पसंद है, शायद जो इनका कवर फेस लगा हुआ है उसकी वजह से, या फिर ये ज़्यादा खतरनाक लिखते हैं उसकी वजह से, मुझे नहीं पता, मुझे यही वाले पसंद आए। फिलहाल के लिए अभी के लिए तो पटक दिया, लेकिन ऑर्टन सर तुरंत खड़े हो गए। और ऑर्टन और अंडरटेकर की फाइट तो बहुत पुरानी है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ऑर्टन और ऑफकोर्स अंडरटेकर में लड़ाई चलती ही रहती थी पहले। और अब भाई साहब ऑर्टन तो क्या डरे थे, एक बार डराया था अंडरटेकर सर ने ऑर्टन जब वापस से मेरे ख्याल से जिंदा हुए थे। ठीक है खैर ये सब बातें नहीं करते अभी के लिए। और कोडी को पीट दिया ऑर्टन सर ने, और उधर बदला लेने के लिए अंडरटेकर सर रोमन और रॉक सर दोनों को मारते हुए, पीछे ध्यान रखना कभी भी आरक्यू आ जाएगा सर। अरे ऑर्टन सर खेल रहे हैं, फिलहाल इतनी दूर टैग नहीं करना चाहिए यार। कोई बात नहीं, अब करते हैं तो क्या कर सकते हैं, इतनी दूर घसीट के टैग ले देने के लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए रिवर्सल हो गया है, कोडी को होश आ गया है। उधर रोमन खड़े हुए बस मैच देख रहे हैं, टैग मांग लो रोमन या फिर रॉक सर आप ही टैग, ऑफ कोर्स दे ही लो टैग, क्या ही कर रहे हो। मुझे नहीं पता रेसलमेनिया में क्या होना है, ब्लड लाइन रूल्स या फिर ऑफ कोर्स नो ब्लड लाइन रूल्स, मुझे ये नहीं पता। फिलहाल के लिए ओके विंटेज ऑर्टन, विंटेज DDT, और रोमन भूल गए थे कि ऑर्टन मेरी टीम में डिस्ट्रैक्शन करने जा रहे थे। अरे रोमन भाई ऑर्टन तुम्हारी टीम में है और सिग्नेचर लगा रहे थे, क्या करते हो। फिलहाल के लिए ठीक है, रोमन थोड़ा भूल गए थे, लेकिन अब टैग आएगा, रोमन ही को टैग आएगा। अरे रॉक सर सिर्फ खड़े खड़े मैच देखने आए हैं क्या? ओके कभी कभार ऐसा लगता है कि रोमन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं ब्लड लाइन को, रॉक सर कंट्रोल कर रहे हैं, ये ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है आप कमेंट करके बता सकते हैं। खैर आपकी मर्जी, कमेंट करना है तो कर दीजिएगा। खैर अभी के लिए जॉन सीना सर आ गए, सीना सर आते के साथ एक स्प्लैश लगाएंगे, स्प्लैश लगाने के बाद एक और स्प्लैश,
टीना सर वैसे तो ए देते नहीं है, टीना सर जब भी खेलने आए हैं मेरे गेम में वो दूसरी टीम की तरफ से खेले हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है। आज रोमन की टीम से तो नहीं खेल रहे टीना सर? कम ऑन टीना सर, आप दिखा दो कि आप में कितनी जान है। और अभी के लिए ठीक है शोल्डर टैकल, ठीक है शोल्डर टैकल दे दिया रोमन ही को, और अभी के लिए मूव रिवर्सल हुआ है क्या? नहीं रिवर्सल तो नहीं हुआ, ये लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। फिलहाल के लिए रोमन स्टंट हो सकते हैं, रोमन सीना इनकी फाइट तो हमेशा आइकॉनिक ही रहती है। खैर एक पावर बॉम्ब कनेक्ट, और अभी के लिए ज़्यादा डैमेज हो गए हैं मैं देख रहा हूँ रोमन, लेकिन उधर सीना सर तो अभी अभी टैग लेके आए हैं, तो कैसे ही बाहर करोगे सीना सर को। और एक और ओके क्रॉस बॉडी, चलो फाइनली रॉकसर ने हाथ तो बढ़ाया टैग मांगने के लिए, मुझे तो लगा था रॉकसर से मैच देखने आए हैं। खैर रॉकसर आ गए, अब कभी भी स्मेल हो सकता है, कभी भी कुछ भी कुक हो सकता है। फिलहाल के लिए ये वाले रॉकसर को मैं लड़ते हुए देखना ही चाहता था, क्योंकि ऑफकोर्स मैंने 2K23 में रॉक को, जवानी वाले रॉक को और उससे थोड़े ओल्ड रॉक को लड़वाया है, लेकिन ये वाले मेरे ख्याल से इसको क्या बुलाते हैं, रेट्रो रॉक जो भी बुलाते हैं, तो ये वाले रॉक को मेरा तो पहली बार है, मैंने शायद इनको 2K23 में डाउनलोड भी नहीं किया था, तो ये ऑफिशियल ने दिया है 2K ने। और ये मंकी फ्लिप बचा ली रॉकसर, अरे रे मंकी फ्लिप बचा ली रॉकसर ने, क्या बात है। अभी के लिए कॉर्नर पे कोई मूव करने जा रहे हैं, रॉकसर पूरा आग लगाते हुए, क्या बात है। एक पंच, एक और पंच, मैं तो कह रहा हूँ बुया भी कर ही दो सर, कम ऑन बुया देख लूँगा मैं, और कोई बात नहीं मज़ा आएगा। फिलहाल के लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन कॉर्नर पे ले जाके क्यों मार रहे हैं सीना सर, कोई पुरानी दुश्मनी? कॉर्नर पे ले जाके दोनों में देख रहा हूँ मारना चाह रहे हैं एक दूसरे को, ये देखो। अरे ठीक है बच्चे, चलो एक शोल्डर टैकल आया, अंडरटेकर सर बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इतनी जल्दी अंडरटेकर सर सीना सर पे भरोसा रखो, वो किकआउट कर देंगे। खैर ये तो मैं बस बोल रहा हूँ, सीना सर हो सकता है इस मूव के बाद बाहर हो जाए, क्योंकि सीना सर पे मुझे भरोसा तो है, लेकिन सीना सर देखो ना फिनिशर देने के बाद भी आ गया है, फिनिशर लगा नहीं रहे। कोडी रोड स्टाइल मार रहे थे रॉकर के सामने, कोडी वर्सेस रॉक, कोडी चाटा लगा दे फिर, क्या ही सोच रहा है, एक चाटा और एक सुप्लेक्स, रॉक साइड ने कहा कोडी आ गया मेरा शिकार। अरे रॉक बॉटम सीना को क्यों मारा? अरे कोडी शिकार था, सीना को क्यों तोड़ा? ठीक है खैर सीना सर फालतू में तोड़ दिएगा। एक और रॉक बॉटम में फ्यूज सम मैस, बट द रॉक इज कुकिंग 1-2, और कोडी का किकआउट आएगा अभी के लिए, लेकिन सीना सर को रॉक बॉटम, कोडी को रॉक बॉटम, तो रॉक सर के सामने रिंग में खड़ा रहना अच्छी बात नहीं है, रॉक सर ने दिखा दिया है। खैर अभी के लिए कोडी भाई कुछ कर, क्रॉस रोड लगा या फिर ऑफकोर्स फिनिशर सिग्नेचर तो ला ही ला। फिलहाल के लिए कॉर्नर पे टैग देने के लिए जा रहे हैं, और टैग मेरे ख्याल से अंडरटेकर सर नहीं सीना सर, और टैग टीम मूव देखने को मिलेगा, क्या करेंगे? ओके एक पंच लगा दिया है खतरनाक तरीके से, सीना सर ए लगाएंगे उल्टा ए, क्या बात है, ये वाला ए बहुत कम मारते हैं, लेकिन ठीक है अच्छी बात है, ए लगा दिया है और बदला ले लिया रॉक बॉटम का। 1-2 2 भी नहीं हुआ, रॉक सर ने कहा 2 भी नहीं होने दूंगा। अंडरटेकर सर आते हुए, अब अंडरटेकर सर इस टाइम फॉर डेथ वैली, कम ऑन अंडरटेकर सर, रॉक सर को डेथ वैली पहुंचा दो। फिलहाल के लिए अंडरटेकर सर ने लास्ट राइड के लिए उठा लिया है, और रिवर्सल हो सकता है, नहीं लास्ट राइड रॉक सर बाहर ना हो जाए, रॉक सर बाहर तो नहीं हुए हैं, लेकिन लास्ट राइड पर चुकी है, और उसके बाद फंसा के पिनफॉल अंडरटेकर के ही चल रहा है, ये बहुत मुझे अटपटा लगा है। अंडरटेकर सर के लास्ट राइड के बाद रॉक सर को कुछ हुआ ही नहीं, और एक और सुप्लेक्स, रॉक सर रिंग में जिसको देख रहे हैं, अपोनेंट टीम के सबको मार रहे हैं, बाप रे बाप, ये रॉक सर भले ही बाहर हो जाए, लेकिन रॉक सर ने भाई साहब ये बता दिया है कि मैं बहुत तगड़ा खेलने वाला हूँ, मुझे बाहर करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। और अंडरटेकर सर और ऑर्टन आ चुके हैं एक बार फिर से, और वो सीना सर क्या कर रहे हैं? अरे सीना सर कुछ भी करते हो, क्या कर रहे हो? फिलहाल आरके और अंडरटेकर का थोड़ा सा ध्यान बटा, और आरके वो आ गया, अरे रे 1-2, और अंडरटेकर सर का इंटेंस किक आउट, ठीक है अंडरटेकर सर नाइस, अच्छी बात है इंटेंस किक आउट तो करा। खैर किसकी टीम जीतने वाली है, रोमन की या फिर कोडी की? अरे टैग देने के लिए नहीं जा पाए, ये कॉर्नर वाला कुछ ग्लिच है क्या, कभी सही हो जाता है कभी अपने आप ही खराब हो जाता है, मूड पे डिपेंड करता है। खैर अंडरटेकर गोज ओल्ड स्कूल, लेकिन रोमन डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं ऑफकोर्स, बचाना चाहते हैं तो, लेकिन नहीं, अंडरटेकर सर उस तरफ गए और ओल्ड स्कूल कनेक्ट, ओल्ड स्कूल लगा दिया है अंडरटेकर सर ने, लेकिन इसके बाद टोमस्टोन देना और भी ज़रूरी है। ये वाले अंडरटेकर सर ना अपनी ऑफकोर्स ये जो बनियान की स्ट्राइप देख रहे हैं आप लोग वो उतारते हैं, तो ऑफकोर्स
बिगी की तरह ये भी वैसा ही करेंगे, लेकिन क्या और कब करेंगे ये तो उनके ऊपर डिपेंड है। और पेडिग्री आने वाली है, ऑर्टन सर को कोडी पेडिग्री देते हैं। ऑर्टन सर का टाटा, और रॉक सर क्या कर रहे थे, ऑर्टन सर को बाहर निकाल दिया है कोडी ने पेडिग्री देके। ओहो, कोडी रोड आते हुए नाइट मेयर मोड ऑन करते हुए 1-2 रॉक सर को भी बाहर कर दिया है। दो प्लेयर इंस्टेंट एलिमिनेट, रोमन अकेले रह गए हैं। ये क्या हुआ अचानक से, कुछ समझ नहीं आया। एक क्रॉस रोड आएगा और मैं कह रहा हूँ कि ऑफकोर्स कोडी गर्दा उड़ा देंगे रोमन का भी। खैर ऑफकोर्स यहाँ पे देख रहा हूँ कि सीना सर, अंडरटेकर और कोडी की टीम आगे निकल चुकी है। और इसके बाद एक डबल शोल्डर टैकल्स, रोमन भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे मुझे पता है, लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। रोमन अकेले भी बहुत कुछ कर सकते, सीना सर को तो बाहर निकाल ही सकते। खैर अभी के लिए रिवर्सल स्पीयर सुपर एंड पंच कुछ तो लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल के लिए नीचे जाने का प्लान कर रहे हैं। अरे कोडी हाथ मारने की क्या ज़रूरत थी, रोमन का ये लोग ऑफकोर्स बैंड बजाने वाले। तीन तीन प्लेयर भाई, तीन तीन प्लेयर आ गए हैं, बैंड तो बजेगा ही बजेगा रोमन का। और कोडी की टीम ना विक्ट्री हासिल कर ही लेगी। सीना सर को मारा, सीना सर को क्यों मारा लेकिन, अरे एक अंडरटेकर सर लीगल है ना, अंडरटेकर सर को मारना है जाके, कम ऑन क्या कर रहे हो। फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता ये लोग कुछ कर पाएंगे। अंडरटेकर सर चॉक स्लैम देने जा रहे हैं, रिवर्सल हुआ नहीं रहा और रोमन ने रिवर्सल फाइनली कर दिया। चलो ठीक है रोमन, बहुत बढ़िया ऐसी रिवर्सल करते रहो। और अंडरटेकर सर को रिंग में भेजने से पहले तुम खुद ही चले जाओ और अंडरटेकर सर आपका पीछा करते करते आ जाएंगे। ओके सीना सर को मत मारो, अंडरटेकर सर आ गए, सुपरमैन पंच लगाने की तैयारी करो। फिलहाल क्यों रिवर्सल हो गया। ठीक है खैर मुझे लगता है कि ऑफकोर्स कोडी की टीम आगे चल रही है और जीत जाएगी। ओके एक और काउंटर के बाद बिग बूट रोमन कभी भी बाहर हो सकते हैं, बताया स्पीयर लगाना पड़ेगा। अंडरटेकर सर टोम्बस्टोन लगाने जा रहे थे, सुप्लेक्स आएगा। अंडरटेकर सर बाहर तो नहीं हुए लेकिन एक स्पीयर काम कर देगा, ऑफकोर्स स्पीयर लगाना ही पड़ेगा अगर जीतना चाहते। फिर टोम्बस्टोन देने की नाकाम कोशिश, स्पीयर कनेक्ट, अंडरटेकर सर बाहर, कोडी आते हुए, कोडी रोड कहीं खात्मा ना कर दे रोमन का। रोमन ऑफकोर्स बहुत पिट चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि रोमन टीम को जितवा पाएंगे सीना सर आते हुए। सीना सर भी वैसे बहुत पिट चुके हैं लेकिन सीना सर क्या करेंगे, सीना सर को गिलिटिन नॉर्मल फिनिशर है, बाहर तो हो सकते हैं वैसे सीना सर लेकिन लगता नहीं अभी होंगे। सीना सर ए लगा दो, ऑफकोर्स सीना सर के पास ए है क्या, ए तो नहीं है सीना सर के पास, लेकिन इसके बाद बाहर होंगे रोमन नहीं, सुपर एंड पंच लगाना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हैं। रिवर्सल करो रोमन, रोमन रिवर्सल नहीं कर रहे, एक नी स्ट्राइक, रोमन तुरंत खड़े हो गए जो कि अच्छी बात नहीं है, ये मूव यूज़ नहीं करना था। फिलहाल के लिए कॉर्नर ग्लिच होगा, नहीं होगा, चलो ठीक है टैग होने वाला है, नहीं रिवर्सल, कोडी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करेंगे, कोडी कुछ नहीं करे, ठीक है। खैर अभी के लिए कहाँ, फेस फर्स्ट कॉर्नर पे फेस फर्स्ट रोमन रेंस अपनी टीम को जिताने के लिए आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रॉक सर पता है क्यों बाहर हुए, मैं जितना समझ पा रहा हूँ क्योंकि रॉक सर पहले ही बहुत पिट गए थे, तो वो जो आखिरी मूव पड़ा ना रॉक सर को, उसकी वजह से रॉक सर का टाटा हो गया। फिलहाल के रिवर्सल करो ना रोमन, रोमन ही स्टैंड हो गए, गए गए रोमन रोल आउट करके, स्मार्ट मूव, रोमन रोल आउट मार रहे स्टैंड में भी, चतुराई दिखा रहे, ठीक है रोमन अब क्या करोगे, स्टैंड हो पीटे ही जाओगे। खैर अभी के लिए रोमन पीटे ही जा रहे हैं और रोमन रिवर्सल फाइनली नहीं करा, रिवर्सल अब कर दो। रोमन ने रिवर्सल नहीं किया, रोमन कभी भी बाहर हो जाएंगे, कोडी रोड कभी भी रोमन को बाहर कर सकते हैं आगे, क्योंकि कोडी के पास एक क्रॉस रोड है। सीना सर ए नहीं लगा रहे, सीना सर रिस्पेक्ट दे रहे रोमन को, अरे सीना सर रिस्पेक्ट मत दो, ए मारो खत्म करो। खैर अभी के लिए तो कोडी अंदर आ गए, रोमन कोडी आ गए हैं, क्रॉस रोड से बच के रहना मेरे भाई। और कोडी क्या करने वाले हैं, कोडी कटर, अरे रे गए 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 कोडी कटर आ गया, रोमन गए, 1-2 भी किक आउट कर दिया यार, रोमन अभी भी थके नहीं हो क्या। ठीक है ये रिवर्सल नहीं किया, पक्का कोडी रोड बाहर कर देंगे, रिवर्सल हुआ नहीं, क्रॉस रोड कनेक्ट और रोमन अभी भी बाहर नहीं हुए, व्हाट रोमन की ताकत। ओके गॉड मोड 1-2 किक आउट, रोमन का रेजिलेंस गया, गॉड मोड का तो पता नहीं लेकिन बैंड जरूर बजा दिए कोडी और सीना ने, तो ठीक है कोडी सीना बहुत बढ़िया। अंडरटेकर सर बाहर हो गए, ओके फाय नकल शफल यू कैंट सी मी, और बैंड ऐसे ही बजाई जाती है रोमन की, अरे गए गए रोमन रिवर्सल नहीं करेंगे। और तो आखिरी में फाय नकल शफल काम आया
और कोडी रोड्स ने टीम को विक्ट्री दिलवा दी है अपनी और खतरनाक तरीके से लड़े हैं। और ऑफकोर्स रोमन की टीम ने मेहनत करी लेकिन जीत नहीं पाए। फिलहाल के लिए वीडियो इधर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।